अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं रुबीना अंसारी किचन में आपके लिए बहुत ही यमी सी बटर चिकन तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 400 ग्राम चिकन के मुख्तलिफ पीसेस लिए हैं, इन्हें धो लिया है। सबसे पहले हम इसे मैरिनेट करेंगे। यहाँ मैंने 150 ग्राम दही लिया है जो मैं इस चिकन पर डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून लेमन जूस, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही सुर्ख मिर्च ली है। अब मैं इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और आधा घंटे के लिए हम इसे मैरिनेट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अब मैं इसे मैरिनेशन के लिए रख रही हूँ और इस दौरान हम फिर ग्रेवी तैयार करते हैं, तो चलते हैं ग्रेवी तैयार करने के लिए। वॉक चूल्हे पर रखा हुआ गर्म हो रहा है, इसमें मैं 1/4 कप कुकिंग ऑयल का डाल रही हूँ। इसके साथ ही मैं 1 टेबल स्पून बटर डाल रही हूँ। ये प्लेन बटर है, इसमें सॉल्ट नहीं है। ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो इसमें मैं मज़ीद चीज़ें डालूंगी। आधा बटर मैंने बचाया है जो कि मैं बाद में इस्तेमाल करूंगी। यहाँ मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी जिन्हें इस तरह रफली चॉप कर लिया है, बहुत बारीक नहीं काटा है। इसके अलावा मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर भी लिया था, इसको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। अब बटर मेल्ट हो गया है, मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। इस प्याज को हम ब्राउन नहीं करेंगे बल्कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, तो फिर मैं इसमें मज़ीद मसाले डालूँगी। इसको मैं तकरीबन 1 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई कर रही हूँ। 2 छोटी इलायची, 1 दरमियाने साइज़ के जायफल का 1/5 हिस्सा, आधा जावित्री का फूल और 3 लौंगे ली हैं, ये भी मैं डाल रही हूँ। लौंगे डालने के बाद मैं थोड़ा सा एहतियात से काम लूँगी क्योंकि ये उछल भी सकती हैं। प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, अब मैं इसमें ये टमाटर भी डाल रही हूँ और इन टमाटरों के साथ ही मैं 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च और 1 टीस्पून नमक का भी डाल रही हूँ। ये 1 टीस्पून गरम मसाला है जो मैं बाद में डालूँगी। अब ये भी थोड़ा सा सॉफ्ट होंगे टमाटर, तो फिर हम मज़ीद प्रोसेस करेंगे। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और ये मैंने 6 बादाम डाले हैं, इसको भी मैं सॉटे करूंगी। हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक मैंने अच्छी तरह से मसाले को फ्राई किया है। अब मैं इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर पानी डाल रही हूँ और इसे थोड़ी देर तक ढककर पकाऊंगी, तो फिर मिलते हैं 1 से 2 मिनट के बाद। मीडियम हाई फ्लेम पर मसाले को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, ऑयल रिलीज़ हो गया है और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब मैं इसे उतार रही हूँ और इसी फ्लेम पे फिर मैं चिकन को फ्राई करूँगी क्योंकि तकरीबन आधा घंटा हो गया है। सॉस पैन में 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसमें चिकन डालूंगी और इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करूंगी। इसमें हमने पानी नहीं डालना है, ये दही पानी रिलीज़ करेगा और इसी पानी में हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। हाई फ्लेम पर तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक मैंने इसे फ्राई किया है और दही ने अच्छा खासा पानी रिलीज़ कर दिया है। अब मैं इसे ढक रही हूँ और फ्लेम
मीडियम लो करके इसे गलाऊंगी। तकरीबन 80% तक हम इसे गला लेंगे। तो फिर मिलते हैं इसके गलने पर। चिकन को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक करते हैं। बहुत खूबसूरत सा टेक्सचर नज़र आ रहा है। मसाला फ्राई हो चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब मैं फ्लेम हाई करके इसे थोड़ा सा भूनूंगी और ये मसाला जो मैं पेस्ट बनाकर लाई हूँ ये भी साथ डाल रही हूँ और इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो मिलते हैं इसके फ्राई होने पर। और जो बाकी मसाला इस जग में है उसको मैं थोड़ा सा पानी मिला के शामिल कर दूंगी। 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर पकते हुए हो गए हैं। अब मैं इसमें 2 पिंचेस कलौंजी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला और ये 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी है जिसे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था और इसे मसल लिया है, ये भी मैं डाल रही हूँ। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसका अरोमा थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बहुत ही अच्छा ये खूबसूरत सा महसूस होता है और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू होती है। यहाँ 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप है, ये भी मैं डाल रही हूँ। फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है और जो बचा हुआ मक्खन था इसमें से मैं आधा और लूँगी और आधा गार्निशिंग के लिए मैंने बचा दिया है। और 2 टेबलस्पून मैंने टेट्रा पैक बलाई के लिए हैं, आप इसमें फ्रेश बलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं फ्लेम हाई करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी। हरा धनिया मैंने 1 टेबलस्पून काटा है। थोड़ा मैं गार्निशिंग के लिए बचा लूँगी। ये देखिए अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ और मैंने इतना अच्छा फ्राई किया था कि ये देखिए ग्रिल मार्क आ गए हैं चिकन पीसेस पे। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक कर रखूँगी, फ्लेम बिल्कुल लो करूँगी ताकि ये दम आ जाए। और इसमें एक मैंने बड़ी हरी मिर्च काटी थी वो भी शामिल कर दूंगी लंबाई के रुख में। तो फिर मिलते हैं हम इसके डिश आउट होने पर। 1 मिनट हो गया है, टेक्सचर ऊपर से खूबसूरत नज़र आ रहा है। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और देखिए कितना अच्छा अरोमा और कितना खूबसूरत टेक्सचर नज़र आ रहा है ये देखिए। अब मैं इसे आपके लिए डिश आउट कर रही हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत गुड लुकिंग, बस दिल चाह रहा है इसे फौरन ही खा लिया जाए। ये देखिए इस तरह। व्यूअर्स, आपके लिए बहुत ही यमी गुड लुकिंग और एरोमेटिक बटर चिकन तैयार है जिसे मैंने बटर से गार्निश कर दिया है और बचा हुआ हरा धनिया भी मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। इस बटर चिकन को आप नान के साथ या चपाती के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगेगी। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज़।